अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक्स। आप तमाम दोस्तों को सलाम। यकीनन आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा। तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल है पाकिस्तान स्टॉकनेटिक्स, इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किया करें। जितने व्यूज हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो या तो आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करें यार, 1000 तो पूरे करवाए ना। तो जरा करते जाएंगे तो हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलता जाएगा कि हाँ यार लोग देख रहे हैं, और कमेंट्स वगैरह भी किया करें ताकि शेयर्स के बारे में भी बात हो सके। तो चलिए इंडेक्स की तरफ चलते हैं। यह है जी आज का इंडेक्स। आज जो है वो मार्केट 554 पॉइंट जो है वो माइनस में बंद हुई, और ये जो है इसका लो है और ये मार्केट का हाई है। देखें ये फिगर्स जो है ना, ये पढ़ने का फायदा कोई नहीं है, मैं कुछ ज्यादा इसके ऊपर इसलिए जोर नहीं देता क्योंकि ये सामने लिखे हुए हैं, आप किसी भी वक्त जो है वो वेबसाइट खोल के आप देख सकते हैं कि जी मार्केट कहाँ से कहाँ गई और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि देखिए मार्केट अगर नीचे गई है आज 500 पॉइंट, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है ना बाय करने के लिए। लोग घबरा जाते हैं कि जी वो मार्केट 500 पॉइंट माइनस हो गई जी, और फेसबुक के ऊपर भी बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे थे। तो मुझे नहीं समझ आती कि लोग जो है वो डर क्यों जाते हैं। हालांकि मेरा भी आज पोर्टफोलियो जो है वो तकरीबन कोई 2 लाख रुपया माइनस में है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि आज मैंने बाइंग भी की है, और कहने का मतलब यह है ये तो अपॉर्चुनिटी है ना यार, आप लोग घबराया ना करें इस चीज से। तो ये इंडेक्स के बाद जो है वो हम देखते हैं कि कल मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। तो investing.com पे चलते हैं। इसका चार्ट ओपन करने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक को देखते हैं पहले। ये है जी आज की कैंडल, जो कि एक अच्छी कैंडल है। कल जो है वो हमने इस कैंडल के बारे में डिस्कस किया था, और ये आज की कैंडल जो है वो काफी बड़ी बनी है। लेकिन इसके नीचे ये जो वीक है ना, ये दैट्स अ गुड साइन कि मार्केट में जो है वो करेक्शन आई है। अब देखिए बात ये है कि यहां से सेलिंग शुरू हुई, ये बात थोड़ी सी समझने वाली और सोचने वाली है, ठीक है। और मार्केट जो है वो उसमें सेलिंग होते 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 ही यहां तक चली गई। लेकिन बात सोचने वाली ये है, जब यहां से मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट की तो भाई कोई ना कोई तो खरीद रहा था ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने शेयर जो है वो मार्केट में से उठा के तो कहीं बाहर फेंकने शुरू कर दिए। यहां पर अगर किसी ने सेल किया तो किसी ने खरीदा, यहां पर किसी ने सेल किया तो किसी ने खरीदा, यहां पर सेल किया तो किसी ने खरीदा, यहां पर सेल किया तो किसी ने खरीदा, किसी जगह पर इनकार तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ। और फिर लास्ट पे आप देखिए कि मार्केट में बायर्स ज्यादा हो गए और सेलर्स जो है वो कम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि देखें मार्केट में जब करेक्शन आती है, मार्केट नीचे जाती है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अब देखें जिस बंदे ने यहां पर बाइंग की है वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चला गया ना। तो इसलिए देखिए मार्केट में कमाएगा वही जो मार्केट में रहेगा। अगर आप डर जाएंगे और फौरन उसकी पैनिक सेलिंग हो जाएगी और नुकसान जो है वो आप बुक कर लेंगे, लॉस बुक कर लेंगे, तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है ना। तो इसलिए मार्केट में थोड़ा स्टे किया करें, और जब आप बाइंग करें तो कोशिश ये किया करें कि कुछ जो है वो आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब मेरा जो पसंदीदा इंडिकेटर है उसको लगा के देखते हैं। जैसा कि कल हमने लगाया था तो हमने कुछ उससे अखज़ करने की कोशिश की थी, देखते हैं वो कहां तक सही हुआ। दैट्स गुड। ये देखिए कल हमने जब इस कैंडल की बात की थी, ठीक है ना, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये मार्केट अगर नीचे जाएगी तो ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन है इसको जरूर टच करेगी। तो ये देखिए उसकी उसी को टच करने के बाद जो है थोड़ा सा मार्केट नीचे गई, देन अप आ गई। अब आप इसी चीज को इधर देखिए,
यहां पर मार्केट ने इसको टच किया और उसके बाद अगले दिन जो है वो मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गई थी। अब मैं ये नहीं कहना जा रहा कि जी कल जो है वो मार्केट को यहां से करेक्शन शुरू हो जाए, मार्केट जो है यहां से रिवर्स ले जाएगी, लेकिन चांसेस हो गए हैं। क्योंकि देखिए हिस्ट्री जो है वो क्या दिखाती है, ये थोड़ा तो गौर कीजिएगा। ये देखिए मार्केट ने यहां पर जो है ये नीचे वाली लाइन को जो है वो उसने टच किया, तो उसके बाद जो है वो मार्केट में करेक्शन शुरू हुई। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही हुआ, यहां पर भी ऐसा ही हुआ, और ये ऐसा हो सकता है हुआ नहीं है अभी। इसी तरह से अगर आप पीछे देखें तो ये देखिए यहां पर भी, यहां पर 20 DM में से ऊपर से ही ये करेक्शन जो थी वो हो गई, वापस चलेगी मार्केट। तो मैं तो काफी होप में हूं कि मार्केट जो है कल जो है वो यहां से पॉजिटिव ऊपर जाएगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी जो है वो कोई भी किसी भी शेयर की अगर होल्डिंग है तो आपको आज बाय करना चाहिए था। डर ना जाया करें, बाय किया करें, एवरेज आउट किया करें। तो उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर जाए तो आप उसको सेल कर दें। तो इनशाला हम बताएंगे यहां पर, अगर मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि यहां से आप उसको बाय करना चाहिए था, तो इनशाला आपको बताएंगे भी कि आगे जाके इसको सेल भी आप जो है वो कहाँ पे आपको कर देना चाहिए। तो बाकी लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं या दूसरी दूसरी खबरें आ रही हैं, तो उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्टे इन द मार्केट, डोंट सेल, पैनिक होके सेल ना कीजिएगा, होल्ड करें और एवरेज करें। अगर मार्केट कल यहां से मजीद नीचे जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर हम उस दिन हमने इसके वो लाइनें भी लगा के देखी थी, ये लाइनें लगाने का बड़ा शौक है लोगों को, हम भी लगा लेते हैं। तो ये बात हो रही थी कि जी मार्केट जो है वो यहां तक करेक्शन ले सकती है, ये है यहां तक। तो अभी तो खैर इसकी बारी नहीं आई कि मार्केट जो है यहां तक करेक्शन जो है वो ले सकती है। तो अगर कल कैंडल एक और नीचे की तरफ बनती है तो होपफुली यहां से जो है इसका एक रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते, वो शॉर्ट टर्म ही होगा। लेकिन ये है कि अगर कल मार्केट जो है वो मजीद नीचे जाती है तो आप प्लीज बाइंग जरूर कीजिएगा, थोड़े थोड़े से बाइंग कीजिएगा। अगर आपके पास अगर पैसे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी का 1,000 शेयर है, तो कल कम से कम उसका 100 शेयर जरूर खरीदिएगा। ये प्लीज आप याद रखिएगा, इसमें हम इंशाल्लाह बाद में वीडियो भी बनाएंगे कि बाइंग कैसे करनी चाहिए। अब एक और इंडिकेटर था हमारा पसंदीदा, उसको भी लगा के देख लेते हैं, स्टोकेस्टिक RSI। ये देखिए, अब देखिए ये ब्लू लाइन रेड लाइन से काफी नीचे है, जो कि इसको शो कर रही है कि मंदी जो है वो तेजी से नीचे की तरफ रवां दवां है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मार्केट का ट्रेंड बहरहाल नीचे की तरफ ही है, कल मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहां से ये रिवर्सल ले सकती है। देखिए ये सारी मुमकिन बातें होती हैं, कोई हरफे आखिर नहीं होता, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लोग बात करते हैं, हम भी उसी तरह ही बात करते हैं। तो आखिर में आपसे सिर्फ एक बात और, कि अगर मार्केट जो है वो कल नीचे जाती है, जिसके के चांसेस हैं कि यहाँ से एक कैंडल और नीचे बन सकती है रिवर्सल लेने के लिए, तो आप प्लीज बाइंग जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट्स किया करें यार, बताया करें कि किसी शेयर के बारे में अगर आपने पूछना हो। तो इनशाला आगे जो है वो फिर हम कैंडल स्टिक के ऊपर जो है वो मैं बात करनी शुरू करूंगा इनशाला 2-4 दिन में। दोस्त कह रहे थे जी कि आपकी वीडियो बड़ी लेट आती है। यार असल में हमारा और आपका 5 घंटे का फर्क है। तो इस वक्त जो है वो जब दोपहर के 3-3:30 होते हैं यहाँ पर, हम थोड़ा सा जब फारिग होते हैं तो उस वक्त आपके पास 8-8:30 हो जाते हैं। तो ये वजह है, और कोई मसला नहीं है।
तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी वीडियो भी बना दें। तो ठीक है जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।